बक्सर में शांतिपूर्ण किया गया बंदी का आह्वान, कहीं कहीं आगजनी, कहीं खास बंदी का असर रेलवे परिचालन पर पड़ा। रेल यात्री सुबह 7 बजे से ही अभी तक ट्रेन में लोग भूखे प्यासे पड़े रहे। देखते हैं रेल यात्री क्या कहते हैं, भारत बंदी में परेशानी कितनी उठानी पड़ रही है रेल यात्री को। हम लोग यात्री से किसी को कुछ नहीं लेना है, सबको चाहिए वोट वोट वोट, किसी को बैकवर्ड, किसी को फॉरवर्ड, किसी को कुछ चाहिए। आम जनता के लिए कोई कुछ नहीं है, वोट दे दीजिए, उसके बाद सारे नेता लोग हम नहा झाड़ के पल्ला झाड़ के चल देते हैं। अगर गलत बोलती हो तो आप बोलो, बाथरूम न गंदा पड़ा है, न कोई खाने पीने का चीज है, क्या करे, कहाँ जाए। कब से आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 7:30 बजे से यहाँ है, हम गांधी धाम से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? हमको पटना जाना है, हमको तो जाना है मोतिहारी, लेकिन मोतिहारी को तो गोली मारी है, पटना तो पहुँच जाए। भारत बंद के दौरान ट्रेन रुकी गई है और आगे बहुत सारे जाम के बारे में सुना है, इसके लिए अभी भी कब चलेगी कोई ऊपर से जानकारी नहीं मिल पाती। सबसे दिक्कत तो खाना पानी पानी और सबसे बड़ा दिक्कत है खाने पीने का, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, बुजुर्ग है, बहुत सारी परेशानी है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जयपुर से आ रहे हैं। अभी कितने घंटे से आप यहाँ पे हैं स्टेशन पे? लगभग 4.5-5 घंटे से। तो क्या आपको असुविधा महसूस हुई आज भारत बंदी में? भारत बंदी में खाने पीने की सबसे बड़ी तकलीफ है और हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। 4.5-5 घंटा ट्रेन यहाँ पे होल्ड किया गया है और कब तक ट्रेन चलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या नाम पड़ेगा अपना? अमर कुमार शर्मा। टाइमली नहीं चल रही है और 2 दिन से